नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रिय भारत यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सब लोगों को स्वामी विवेकानंद जी के जीवन दर्शन करवाऊंगा, तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही रोचक वीडियो होने वाला है ये। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी सन 1863 को उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, फिर उन्होंने दीक्षा ली और फिर उसके बाद उनका नाम स्वामी विवेकानंद हुआ। तो आज जानेंगे कि नरेंद्रनाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद जी का सफर, नारी का सम्मान कैसे करना चाहिए, यह हम स्वामी विवेकानंद जी से जरूर सीख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। एक बार स्वामी विवेकानंद समारोह के लिए विदेश गए थे और उनके समारोह में बहुत से विदेश के लोग आए हुए थे। उसके द्वारा दिए गए स्पीच से पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी। इसी तरह एक विदेशी महिला भी प्रभावित हुई और यह विवेकानंद जी के पास आई और स्वामी विवेकानंद से बोली कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, ताकि आपके जैसा ही मुझे गौरवशाली पुत्र की प्राप्ति हो। इस पर स्वामी विवेकानंद बोले कि क्या आप जानती है कि मैं एक सन्यासी हूँ, भला मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। अगर आप चाहो तो मुझे आप अपना पुत्र बना लो, इसमें मेरा सम्मान भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। यह बात सुनते ही विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि आप धन्य हैं, आप ईश्वर के समान हैं, जो किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, वही महापुरुष कहलाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करे। उनके मार्ग पर हम चलते हैं तो हमें ये भी अवश्य करना चाहिए। आगे का जो पार्ट है वो मैंने आप सबको बताया था कि जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि स्वामी जी के इस विचार से हम प्रेरित हैं, स्वामी जी के इस विचार से हमें अच्छा लगता है या स्वामी जी का ये विचार हमें प्रभावित करता है, तो उन सब लोगों का विचार रहेगा उनके नाम के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसा ही वीडियो आप सभी लोगों को इस चैनल पे देखने को मिलेगा। अभी तक आपने हमारा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस पर भी सब्सक्राइब कर दीजिए, यज्ञा गौरव व्लॉग्स, ये मेरी बेटी के नाम से चैनल है और चलाता मैं हूँ। ये जो आप वीडियो देख रहे हो, इस चैनल का नाम आप देख लीजिए एक बार, हमारा प्रिय भारत। मैं मेरे भारत को भी आगे बढ़ाऊँ, मेरे भारत का कल्चर दिखाओ, मेरे भारत के विचार दिखाओ कि हम किस संस्कृति से आते हैं, हम किस धरोहर से आते हैं, ये भी दिखाऊं मैं। तो मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं करता हूँ। और ये नाम भी ऐसा है, देखो, हमारा प्रिय भारत, तो ये चैनल आगे बढ़ेगा तो हमारा भारत का भी नाम रोशन होगा, इसीलिए तो इस चैनल का नाम रखा है हमारा प्रिय भारत। हम सबका प्रिय है भाई, हम यहाँ जो रहते हैं उसका प्रिय है। अरे भाई, विदेश में रहते हैं उसको भी भारत अच्छा लगता है, तो हमारे लिए तो गौरव की बात है, हम यहाँ जन्म लिया है भारत में, तो इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। तो अभी कभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे लिए नहीं, इस भारत के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी तो बनता है सब्सक्राइब करना, वो लाल वाला जो नीचे बटन है ना वो दबा दीजिए, मेरे लिए नहीं लेकिन हमारे भारत के लिए कर दीजिए। जो पहला विचार आया था वो था मावेश आहिर जी का, जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी जी के इस विचार से आप प्रेरित हैं, उनके आप इस विचार को फॉलो करते हैं, तो आपको खूब खूब साधुवाद कि आपके जीवन में बहुत ही खुशियाँ ही खुशियाँ हो, ऐसे भगवान के चरणों में प्रार्थना। और दूसरा विचार आया था परमार हर्षद भाई, जो तुम सोचते हो वो हो जाएगा, तुम खुद को कमज़ोर सोचते हो तो ऐसा, ताकतवर सोचते हो तो ऐसा। तो उनको ये विचार उनका बहुत ही अच्छा लगता है
तो हर्षद भाई आपको भी खूब खूब साधुवाद कि आपने ये एक छोटा सा पार्ट में हिस्सा लिया उसके लिए। हमारे मित्र धवल भाई गज्जर वो इस विचार से प्रेरित है, बुरी बात यह है कि समय कम है, मगर अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। उन्होंने 8-10 विचार मुझे भेजे हैं, फिर उन्होंने बताया कि इसमें से आपको जो अच्छा लगे वो ले लेना, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा तो मैं ये ले लेता हूँ। थैंक यू धवल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस वीडियो के हिस्से बने उसके लिए, धन्यवाद धवल भाई। कमलेश भाई मेयर ये इस विचार से प्रेरित है, संसार में जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है, इंसान केवल निमित्त मात्र है, ये जानकर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। वाह बहुत ही अच्छा कमलेश भाई, आपने ये हमारे एक वीडियो में आपने हिस्सा लिया उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको साधुवाद। बस हम गर्व अनुभव करते हैं कि आप जैसा श्रोता हमें मिले हैं। फिर मुझे एक और मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, उनका नाम है रोहित भाई भरवाड़, वो इस विचार से प्रेरित है, जब तक जीना तब तक सीखना, यानी जीवन ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है, स्वामी विवेकानंद। ये विचार से प्रेरित है रोहित भाई भरवाड़। तो रोहित भाई आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपने इस चैनल में हिस्सा लिया इसके लिए, आपने ये जो हमारे प्रश्नोत्तरी था इसके अंदर आपने हिस्सा लिया इसके लिए। मैंने सब लोगों को प्रश्न पूछा था कि आप बता सकते हैं कि आप कौन से विचार से प्रेरित हैं, आपको कौन सा विचार स्वामी जी का बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसके लिए रोहित भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ आपका। फिर हमारे साथी इंस्टाग्राम पे वो भी, उनका नाम है विराट सोलंकी 99, वो इस विचार से प्रेरित है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, ये परम सत्य है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। तो बहुत अच्छा विराट भाई, आपने हमारे इस चैनल में हिस्सा लिया इसके लिए आपका शुक्रिया, हम आपके ऋणी हैं, धन्यवाद। मेरी भतीजी रिधि राजगौर जो कि मेरे भाई की बेटी है, वो इस विचार से प्रेरित है, इतिहास कहता है कि कल सुख होगा, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, यानी मैं अच्छा हूँ तो रोज सुख है, बहुत ही अच्छा बेटा खुश रहो। मेरे मित्र पीयूष भाई पटेल जो कि मोरबी के पास से है, उनके पास स्वामी विवेकानंद जी के स्वामी विवेकानंद ग्रंथमाला, ऐसे 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 9 उसके पार्ट है, उसकी जो किताबें हैं उसकी 9 किताबों का पूरा सेट है उनके पास। ये जो आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो ये पूरा फोटो उन्होंने भेजा है। तो पीयूष भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस वीडियो में हिस्सा लिया उसके लिए, धन्यवाद पीयूष भाई, हम आपके ऋणी है। मेरे दिल के बहुत करीब ऐसे राजवीर भाई जो कि पोरबंदर के पास से है, वो उनकी मेरे हर एक वीडियो में कमेंट रहती है, उन्होंने भी ये कहा, भी इस विचार से बहुत प्रेरित है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। राज भाई तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे इस वीडियो में हिस्सा लिया उसके लिए, मैं आपका ऋणी हूँ और हमेशा रहूंगा, धन्यवाद। पार्थ भाई हरियाणी, स्वामी विवेकानंद जी की गुरु निष्ठा से वो बहुत ही प्रेरित है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस उनके पास करोड़ों शिष्य है लेकिन मैं एक निमित्त हूँ, तो इसी गुरु निष्ठा से पार्थ भाई प्रेरित है। तो पार्थ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस छोटे से वीडियो में हिस्सा लिया उसके लिए, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे मित्र प्रफुल भाई भानुशाली, वो तो उन कहते हैं कि मैं पूरे स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से प्रेरित हूँ, लेकिन उनको ये बहुत ही प्रिय है कि जब वो अमेरिका में शिकागो में जाते हैं और जो भाषण देते हैं कि वो बोलते हैं कि उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, मतलब उस भाषण से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस वीडियो में हिस्सा लिया उसके लिए, प्रफुल भाई मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, मैं आपका ऋणी हूँ, धन्यवाद। श्याम सुंदर जी दिल्ली से है, वो इस विचार से प्रेरित है स्वामी विवेकानंद जी के, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने बताया कि अपने आप में पूर्ण विश्वास रखो और साथ ही भगवान के पथ पर चलते रहो, जब शक्तियाँ आपके पास ही है बस गुरु कृपा से सब संभव हो जाएगा। वाह बहुत अच्छा श्याम सुंदर जी, हम आपके आभारी हैं, आपने हमारे इस वीडियो में हिस्सा लिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम। जिन जिन लोगों ने मैसेज किया मुझे व्हाट्सएप किया उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका आभारी हूँ। अभी थोड़ी और जानकारी दे देता हूँ मैं
स्वामी विवेकानंद जी की, तो भी ध्यान से सुन लीजिएगा। धन्यवाद। स्वामी विवेकानंद जी के पिता श्री का नाम था विश्वनाथ दत्त और उनके माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का और एक मुझे उनका जो जीवन से जुड़ी हुई बात है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। वो क्या अत्यंत गरीब थे, फिर भी वो अतिथि की सेवा करते थे। स्वयं भूखे रहकर भी अतिथि को भोजन करवाते थे। स्वयं बाहर बारिश में भीगते थे, ऐसे ही सो जाते थे, लेकिन उनका जो अतिथि कोई आता था तो उनको बिस्तर दे देते थे सोने के लिए। और उनके जो प्रेरणादायक थे, उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस, गुरु से आगे उनको कुछ नहीं था। कहना उनको भगवान प्राप्ति का इच्छा थी कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। और फिर परमहंस जी की कृपा से उनको आत्म साक्षात्कार हुआ। फुल स्वरूप स्वामी विवेकानंद परमहंस जी से शिष्यों में प्रमुख हो गए। सम्मान लेने के बाद उसका नाम, पहले नाम था नरेंद्र दत्त, बाद में संन्यास लेने के बाद उनका नाम हुआ स्वामी विवेकानंद। तो आप सब लोगों ने ये देखा कि नरेंद्र नाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद जी का सफर आप सब लोगों ने सुना। बस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।